ने छापेमारी की, इंटरोगेशन हुई, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। और जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, सारी की सारी इंटरोगेशन, सारे के सारे उनके ऊपर आरोप अब खत्म हो गए हैं। अब शिवेंद्र अधिकारी, जो उस वक्त बंगाल के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी, मैं नहीं कह रहा, आज वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है। एक और उदाहरण देता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा अगस्त 2015 में से पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। किया जा रहा है कि वो ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। ये बात उस वक्त साबित हो गई जब एक रोज पहले